वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अभी लास्ट वीडियोज में चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर काफी सारी वीडियोज बनाई हैं, तो वहां पर हमने डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसको प्रूव करने के लिए काफी सारे साइंटिस्टों ने जो डिस्कवरी दी है, जो थ्योरीज दी हैं, उनके एविडेंसेस दिए हैं, उनके बारे में स्टडी किया। और आज हम इसी सिक्वेंस में, इसी ऑर्डर के सिक्वेंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, ये किस मोड में होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है या कंजर्वेटिव मोड में होता है, इसके अलावा डिस्पर्सिव मेथड से होता है, इनके किस तरह से इसको प्रूव किया, किन किन साइंटिस्ट को इसमें रोल रहा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो यहाँ पर देखिए, डीएनए जो रिप्लिकेशन है ये आपका सबसे पहले आपको पता होगा कि वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था डबल हेलिक्स का, डीएनए का, 1953 के अंदर। और इन्होंने डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में बताया, इन्होंने बताया जो इसका डीएनए जो रिप्लिकेशन होता है, यानी इसकी जो मल्टीपल कॉपीज होती हैं, वो जब रिप्लिकेशन करेगा तो किस मोड में कराता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड के अंदर रिप्लिकेशन होता है इसका डीएनए का। इन्होंने ये बताया था कि डीएनए का रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने ये भी बताया था कि डीएनए जो होता है आपका इस तरह से, जैसे डबल स्ट्रैंडेड है इस तरह से, अब एक एक स्ट्रैंड आपका सेपरेट होगा, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद और आपके क्या करते हैं, इनके बीच में नाइट्रोजन बेस से आगे जुड़ेंगे। एक जो स्ट्रैंड होगा वो होता है ओल्ड, ये इसको पेरेंटल स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि पर जो आपका स्ट्रैंड है दोनों में से, एक स्ट्रैंड इसका एक स्ट्रैंड इसका, ये आपके किसकी तरह काम करते हैं, एज ए टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रैंड बनेगा ये आपका ओल्ड होगा, ये इसको पेरेंटल स्ट्रैंड बोलते हैं। तो दूसरा जो स्ट्रैंड होता है, ठीक है, ये जो न्यूली सिंथेसाइज बनेगा ये कैसा होगा, न्यूली सिंथेसाइज होगा, यानी न्यू स्ट्रैंड होगा इसमें। इसी तरह से ये भी आपका कह सकता है ओल्ड होता है, और दूसरा स्ट्रैंड जो बनेगा वो आपके नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ेगा और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, तो ये अभी कैसा होगा, न्यूली सिंथेसाइज होगा। तो इस तरह से आपका इन्होंने बताया कि एक ओल्ड और एक न्यू, इस तरह से इसमें न्यू एक ओल्ड, इस तरह का इनमें क्या होता है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड आपस में जब कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनते हैं तो इसमें एक उसका पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और दूसरा उसका न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। इस तरह से इस मेथड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं। अब इसको किस तरह से इसको प्रूफ किया गया, प्रूफ करने के लिए यहाँ पर जो दो साइंटिस्ट हैं, मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टाल, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और उसके बारे में पूरी जो थ्योरीज है, कैसे एविडेंसेस दिए, उसके लिए उन्होंने क्या क्या कंपोनेंट्स का यूज किया, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, और ये इन्होंने परफॉर्म किया था 1953 के अंदर, को इन्होंने दिया था अपना रिप्लिकेशन का। उसके बाद इन्होंने परफॉर्म किया 1958 के अंदर, ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। अब कैसे परफॉर्म किया, इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट इन्होंने लिए हैं, तो यहाँ पर इस प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले इन्होंने सेलेक्ट किया, एनवायरमेंट से कलेक्ट किया इसर्चिया कोलाई बैक्टीरिया को, इसको लिया इसर्चिया कोलाई बैक्टीरिया इन्होंने लिया, और साथ में इसके इसने जो सॉल्यूशन जो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, जिसकी डेंसिटी बिल्कुल क्लोज होती है डीएनए के जैसे, ठीक है, उसके लिए इसने लिया 6 mg सीजीएम क्लोराइड, ठीक है, ये क्लोजली इसकी डेंसिटी होती है, क्लोज डेंसिटी टू डीएनए, कितनी डेंसिटी होगी, 1.7 ग्राम पर सीसी इसकी डेंसिटी होती है। नंबर थर्ड इसने रिक्वायरमेंट्स ली कौन सी, वो लिया बैक्टीरियम कल्चर लिया, बैक्टीरिया की ग्रो करवाने के लिए इसने कल्चर मीडियम लिया। कल्चर मीडियम में दो तरीके इसने कल्चर मीडियम लिए हैं, फर्स्ट जो कल्चर मीडियम है 14NH4Cl कल्चर मीडियम, जिसमें के अंदर 14 यानी 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे, यानी ये 14N आपका आइसोटोप है। नंबर बी इसके लिए इसने यूज किया 15N NH4Cl, इसमें आपका 7 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, मींस हैवी आइसोटोप, इसको क्या बोलते हैं, हैवी आइसोटॉप का यूज किया, ठीक है। नंबर फोर इसने रिक्वायरमेंट्स ली, वो लिया आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्या लिया, अल्ट्रावोलेट को पास करवाने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज किया। नंबर फाइव फोटोग्राफिक
प्लेट, सिक्स वन इज लास्ट इसने लिया सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब का यूज किया। तो इतनी सारी छह तरह की इसमें रिक्वायरमेंट्स, इसकी आवश्यकता पड़ती है इस प्रैक्टिकल को, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब ये परफॉर्म कैसे किया गया देखिए, यहां पर सबसे पहले इसर्चिया कोलाई बैक्टीरिया का रोल है। इसको इस बैक्टीरिया कॉलोनी के इसने एक कॉनिकल फ्लास्क, यानी एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क के अंदर इस कॉलोनी को इसने ग्रो करवाया। एनवायरमेंट से इसको लिया और एनवायरमेंट से लेने के बाद यहाँ पे इसने इसका कौन सी कॉलोनी ली, इसर्चिया कोलाई कॉलोनी ली, बैक्टीरिया को लिया। इसको काफी जनरेशन तक, यानी कौन से मीडियम में ग्रोन, इसको ग्रो करवाया ऑन 15NH4Cl मीडियम, 15NH4Cl मीडियम में इसको ग्रो करवाया और काफी जनरेशन तक ग्रो करवाया, मैनी जनरेशन, काफी जनरेशन तक इसको ग्रो करवाया। यहाँ पर इकोलाई जो है बैक्टीरिया, इसके अंदर जो एनवायरमेंट है उसके नॉर्मल आपका आइसोटोप का एनवायरमेंट मिलेगा, यानी इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा जो डीएनए रिप्लिकेशन से बनता है उसके अंदर 14N प्रेजेंट होगा, यानी 14N आइसोटोप होता है, ठीक है। तो वो इसके अंदर नॉर्मल आइसोटोप 14N प्रेजेंट है जिसमें 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन होंगे। उसके बाद यहाँ से इसको ग्रे से ग्रो करवाया, मैनी जनरेशन 15NH4Cl का इसने यूज किया, जैसे हमारे पास ये वाला है। तो इसको ग्रो करवाने के बाद इसने आगे जैसे इसको ग्रो करवाया तो वहां पर इसने देखा, ऑब्जर्व किया इसके अंदर काफी जनरेशन के बाद, क्योंकि यहीं से भी इसको एनवायरमेंट से जब काफी सारा रिप्लिकेशन करेगा 200 टाइम 300 टाइम जितना टाइम करेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी जनरेशन तक इसने ग्रो करवाया। और एक जनरेशन के लिए आपको पता है 20 मिनट के अंदर इसके एक जनरेशन मतलब रिप्लिकेशन कर लेता है, सेल डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर भी इसने क्या किया, काफी सारी इसने जनरेशन करने के बाद यहाँ पर इसने 15N जब आगे किसमें कन्वर्ट हुआ, 15N में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पर 14N था जब इसने मैनी जनरेशन इसको रिप्लिकेशन करवाया, तो इसमें जो डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे रिप्लिकेशन से वो 15N उनके अंदर आइसोटोप प्रेजेंट होगा। तो इस वाली जो पहली जो आपकी जनरेशन, इसको इसने नाम दिया G0। उसके बाद नेक्स्ट उसने फिर नेक्स्ट मीडियम में रखा, इसको नाम था 14NH4Cl। तो यहाँ पर 14NH4Cl जैसे इसने मीडियम में इसको रखा, तो वहां पर रखने के बाद इसमें ऑनली एनवायरमेंट से कौन सा मीडियम लेगा, ये ऑनली 14N आइसोटोप को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक जनरेशन के लिए, ओनली सिंगल जनरेशन के लिए इसको इसमें ग्रो करवाया, और ग्रो करवाने के बाद इसके अंदर जो कॉलोनी थी इसके अंदर इसने कौन सा आइसोटोप को एब्जॉर्ब किया अभी तक अननोन है, अभी हमें कुछ नहीं पता। ये आपकी इसने नाम दिया जनरेशन को G1 जनरेशन। नेक्स्ट दोबारा इसी 14NH4Cl का यूज करके इसने दूसरी बार इसका रिप्लिकेशन करवाया, यानी एक जनरेशन के लिए यहाँ पर करवाया, दूसरी जनरेशन के लिए इसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरी जनरेशन के लिए इसको ग्रो करवाया। और ग्रो करवाने के बाद उसने देखा आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो इसर्चिया कोलाई था, इसका भी हमें कुछ अभी मालूम नहीं है, ये भी अननोन है। तो इसको इसने नाम दिया जनरेशन G2। तो यहाँ पर G0, G1 और G2 ये तीन तरह की जनरेशन यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद इसने क्या किया, इस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब का यूज किया। किसका यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब का यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे ट्यूब का यूज किया, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब आपकी इस टाइप की होगी, इस टाइप की होती है आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब। इसके अंदर इसने कौन सा सॉल्यूशन भर दिया इसके अंदर, क्योंकि ये डीएनए के जैसे इसकी क्लोज डेंसिटी होती है, तो इसके अंदर भरा इसने सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया। और डालने के बाद इसको क्या करवाया जाता है, 1000 से 5000 के जो सेंट्रीफ्यूगेशन परमिट के हिसाब से इसको रिवोल्यूशन करवाया जाता है। और यहाँ पर जैसे रिवोल्यूशन होगा तो ये क्या करेगा, इसमें से जो भी डीएनए का एक्सट्रैक्ट था, जैसे 14N का एक्सट्रैक्ट लिया, 15N का एक्सट्रैक्ट लिया, हर जनरेशन का एक्सट्रैक्ट ले लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया। करवाने के बाद जो भी आपका हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला है, क्योंकि ये डीकम्पोज होगा नीचे की तरफ हो जाएगा, जिसका वेट ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है 15NH जो आइसोटोप है इसका वेट ज्यादा होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो ये नीचे जाके यहाँ पर इसका बेड दिखाई दिया इसको, क्योंकि इसने यूज किया किसका, फोटोग्राफिक प्लेट का यूज किया। अब इसको हमने इस हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में हम इसको करेंगे तो कैसे होगा, हमने इसको ट्यूब को हॉरिजॉन्टल इसमें ले लिया। देखिए 14N आइसोटोप बिल्कुल लाइट है, तो इसका बैंड इसको यहाँ पर दिखाई दिया, ऊपर की तरफ यहाँ पर दिखाई दिया। और 15N क्योंकि भारी आइसोटोप है, ये आपका 14N, ये आपका लाइट आइसोटोप है। अब इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब को इसने यूज किया फोटोग्राफिक प्लेट का यूज करके, और इसको ऑब्जर्व किया पूरा किस तरह से प्रैक्टिकल आगे परफॉर्म किया उसके लिए हम देखते हैं। प्लेट ली और यहाँ पे इसने सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब को रखा, ये आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है,
इसको यहाँ पर रख दिया और रखने के बाद इसको एक बैंड मिला यहाँ पर, एक बैंड यहाँ पर मिल रहा था और सेकेंड बैंड इसको मिला यहाँ पर। हमने इसको हॉरिजॉन्टल रिप्लेस किया है, हमने इसको हॉरिजॉन्टल रिप्लेस करके इधर रख दिया। तो यहाँ पर देखिए 14 एन, ये वाला 14 एन बैंड बना, ये वाला 15 एन बैंड बना, ठीक है। अब जैसे इसने क्या किया, इसको अल्ट्रा वायलेट रेस पास की, तो डीएनए का एक मैन स्पेशल कैरेक्टर होता है कि वो ऑब्जर्व कर लेता है अल्ट्रा वायलेट रेस को। तो यहाँ पर क्या किया इसने, अल्ट्रा वायलेट रेस को ऑब्जर्व जैसे इसको पास करवाया, यहां से पास करवाने के बाद यहां से जो आपका बीच में जो बैंड बन रहा है ये इसको अल्ट्रा वायलेट रेस को ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद जो साइड में जो पोर्शन है इसमें से अल्ट्रा वायलेट रेस आपकी डायरेक्टली पास आउट हो जाती है। तो यहां से जहां पर पास होगा, जहां से पास नहीं हो रही है अल्ट्रा वायलेट रेस, वहां पर आपका एक फोटो जियोग्राफी प्लेट है, उसके पीछे यहाँ पर एक स्पॉट इसको दिखाई दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसी तरह से यहाँ पर भी इसका स्पॉट दिखाई देगा। अब आगे इसमें 14N ये हमारे लिए नॉन है, 15N हमारे लिए नॉन है। तो यहाँ पर दो तरह के बैंड मिले, 14N 15N बैंड मिले। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, अब बात करते हैं हम, ये G0 जनरेशन है, इसको क्या नाम दिया इसने, G0 जनरेशन। ये G0 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, इसमें 15N आइसोटोप जो कि हमें यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है, ये नॉर्मल आपका आइसोटोप होता है, ठीक है। उसके बाद इस आगे इस प्रैक्टिकल को जैसे परफॉर्म करता है, उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह की कंडीशन या देखने को मिलेगी। सिचुएशन क्या होती है कि यहाँ पर इसको देखा कि जैसे इसने 14NH4 Cl में एक जनरेशन के लिए इसको ग्रो करवाया, तो वहां पर आपके यहाँ पर हमारे लिए इसके लिए अननोन है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में क्या हुआ, ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के अंदर जब इसने इसको लिया, तो लेने के बाद इसका बैंड इसको 20 सेंटर में दिखाई दिया, यानी इसका कहां पर बना बैंड, इधर बना। तो यहाँ पर इसका बैंड भी कहां बनेगा, इधर 20 सेंटर में बनेगा यहाँ पर। तो इसने ऑब्जर्व किया कि इसका जो बैंड आता है G1 जो आपकी जनरेशन है, उसका बैंड बिल्कुल इसको सेंटर में बनकर दिखाई दिया इसको। और यहाँ पर भी क्या होता है कि ये जो जनरेशन है G1 क्योंकि 14NH मीडियम में है, तो इसके अंदर जो सेंटर में हम ना तो ये 15N की तरफ आया, यानी नीचे की तरफ डिकम्पोज हुआ, ना ऊपर की तरफ इसका सुपरनेटेंड बना, ये सेंटर में इसका क्या बना, इस तरह का बैंड बना सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद। तो यहाँ पर ये जो बैंड होता है ये आपका हाइब्रिड रीजन कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा, हाइब्रिड रीजन, ये आपका हाइब्रिड रीजन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका अंदर बीच में बैंड आया, अब सेकंड जो जनरेशन के लिए इसी मीडियम इसने रखा है, सेकंड जनरेशन में G2 के लिए इसने हम सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब को लिया और दोबारा इसको ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उसने देखा कि ये जो बैंड है आपके दो तरह के बैंड दिखाई दिए, ये हाइब्रिड बैंड तो आपका बन ही रहा था इसके अंदर, और एक बैंड आपको ऊपर की तरफ बैंड भी दिखाई दिया जो कि आपकी नॉर्मल आइसोटोप 14N का जैसे बैंड था। तो यहाँ पर आपका 14N वाला ये आपका बैंड दिखाई दिया, यहाँ पर आपके 15N और 14N दोनों आपके हाइब्रिड रीजन वाले, ठीक है, जैसे इसमें बन रहा है। तो यहाँ पर इसने इसको आइसोटोप फोटोग्राफी प्लेट पर लगा के देखा, तो यहाँ पर इस तरह का इसने ऑब्जर्व किया, ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है, यहाँ पर इसने दो तरह के बैंड बने, यानी एक बैंड बिल्कुल सेम 14N जैसे कि हमारा फर्स्ट G0 के अंदर आ रहा था वैसे बैंड बनेगा, और एक दूसरा सेकंड बैंड आपका इस तरह से बनेगा जो कि आपका इक्वल अमाउंट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं इसको सीधा इस डायरेक्शन से ऐसे लाइन से खींचूंगा तो आपको ये बैंड आपको यहाँ पर नजर आएगा, और ये वाला बैंड आपका बिल्कुल सेंटर में यहाँ से नजर आता है, ठीक है, इस तरह का बैंड दिखाई देगा, और इसका बैंड यहाँ पर आपको नजर नहीं आता। ओनली 15N आइसोटोप से देखिए, 15N आइसोटोप हमारे लिए नॉन है तो G0 के अंदर आया, यहाँ पर इसने ओनली मीडियम हमने कौन सा लिया, 14N मीडियम लिया। तो यहाँ पर 14N 15N का दोनों का क्या हुआ, मिक्सचर आया, सेंट्रीफ्यूगेशन बीच में बैंड बना, तो बीच में बैंड यहाँ पर बना 14N 15N का मिक्सचर यहाँ पर बना। उसके बाद इसको हमने नेक्स्ट जनरेशन के लिए करवाया, ग्रो करवाया ये ब्लैक बैक्टीरिया को। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, देखिए दो तरह के बैंड दिखाई दिए, एक नॉर्मली क्योंकि ये अभी मीडियम सेम है, यहाँ पर भी 14NH4Cl मीडियम है, यहाँ पर भी इसको सेम ही आपका मीडियम रखा गया कल्चर मीडियम। तो यहाँ पर भी आपका देखो एक 49 ओनली एक मीडियम आपको दिखाई दिया, 49 नॉर्मल जैसे हमारे ऐसे होता है नॉर्मल आइसोटॉप वाला, एक होता है आपका हाइब्रिड आइसोटॉप वाला जिसमें क्या आपका 49 और 59 ये वाला मिक्सचर होगा। तो इस तरह का ये होता है कि इस पूरे प्रैक्टिकल से इस पूरे बैंड को देखते हुए मैथ्यू मैसलसन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने अंदाजा लगाया कि जो आपका रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है पूरा कंप्लीट जो आपका रिप्लिकेशन होता है डीएनए का वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। कैसे होगा देखते हैं, इसको थोड़ा और प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये बैंड है, तो ये दो बैंड है आपकी, ये आपका पेंडल आपको हो गया,
ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं दोनों। हमारे पास कौन सा आइसोटोप है? फर्स्ट में 15N आइसोटोप है, तो यहाँ पर 15N दोनों बैंड कैसे होंगे? 15N 15N होंगे, ठीक है। और हमने जैसे वासन क्रिक ने बताया था कि दोनों अपने टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, जब इसकी कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा तो दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्टैंड ये बना, ये स्टैंड ये बना, ये दोनों कैसे 15N है, ये दोनों स्टैंड 15N है, टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। जब न्यूली सिंथेसाइज, जब ये रिप्लिकेशन करेगा तो यहाँ पर देखिए न्यूली सिंथेसाइज बनेगा, तो एक बैंड यहाँ पर आपका इधर बनेगा और एक बैंड बनेगा इधर की तरफ। तो ये वाला बॉन्ड हमारा, ये कौन सा एलिमेंट हमने लिया है? 14NNH4Cl का। तो यहाँ पर भी आपको कौन सा एक दूसरा बैंड बनेगा, वो NH14N बनेगा ना, नया वाला बॉन्ड ये 14N है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हाइब्रिड जो रीजन है वो कंडीशन देखने को मिली 14N 15N, ठीक है, और यहाँ पर 14N 15N। तो ये आपका ऑड स्टैंड है और ये आपका न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है, यानी पेरेंटल स्टैंड और न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड यहाँ पर देखने को मिले। तो ये हमारे पास G0 है, ये आपका G1 स्टेज होगी। उसके बाद नेक्स्ट अब ये दोनों आगे फिर टेबलेट की तरह काम करेंगे, ये आपकी इस तरह से दो डिवाइड होगा, ये भी आपका दो तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पुराना जो है 15N तो ये रहेगा, यहाँ पर पुराना पीछे की साइड 15N ये रहेगा। अब जो बीच में जो बने हमारे पास, देखिए ये वाला स्टैंड आपका 14N है, तो ये वाला स्टैंड यहाँ पर भी 14N होगा। उसके बाद ये वाला 15N है तो ये पेरेंटल का आपका टेम्पलेट की तरह काम करेगा, इसका 14N, ये वाला 14N, इसका 14N, ये वाला 14N ब्लू कलर से दिखाया है, और ये लास्ट में 15N है जो कि पेरेंटल वाला स्टैंड है, ये भी यहाँ पर 15N होगा। तो ये हमने लिख लिया 14N। अब देखिए जब ये न्यूली सिंथेसाइज आपका DNA बनाएंगे तो इसका एक न्यूली सिंथेसाइज यहाँ पर बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए, इसका न्यूली सिंथेसाइज यहाँ पर बनेगा, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए, नाइट्रोजन बेस आकर जुड़ गए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसी बात इसका आपका स्टैंड बनेगा, तो ये आपका ये दोनों न्यूली सिंथेसाइज बन गए, और यहाँ पर इस तरह से इसका सीक्वेंस बनेगा, तो इस तरह का बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैक कलर का है ये हमने 59 से शो करेंगे, इसको हमने शो किया 59 से। जो न्यूली जो सिंथेसाइज है सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है? 14N 14N। जो ब्लू कलर के पूरे 14N है, तो यहाँ हम लिखेंगे 14N, यहाँ पर भी आपका 14N, यहाँ पर भी 14N, और यहाँ पर भी 14N, और इधर भी 14N, और लास्ट में कौन सा बचता है? वो आपका बचा 15N जो कि ब्लैक कलर का स्टैंड है, इसको हमने नाम दिया 15N। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लास्ट पहले सिचुएशन में 15N था, जो 15N दोनों स्टैंड आपके 15N है, बैंड अपर का यहाँ पर मिला आपको मिला। उसके बाद यहाँ पर बीच सेंटर में हाइब्रिडिज्म में कौन सा बैंड बना? दोनों आपके न्यूली, एक ऑल्ट पेरेंटल स्टैंड, दूसरा न्यूली सिंथेसाइज, तो यहाँ पर हाइब्रिडिज्म मिला 14N 15N का मिक्सर, दोनों में ऐसे ही बना। उसके बाद जब G2 की आपकी बारी आई, तो G2 आपके जो जनरेशन के अंदर यहाँ पर 14N आपका नॉर्मल आइसोटोप वाला जैसे फर्स्ट जनरेशन में है वैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए एक आपका हाइब्रिड पे बैंड बनेगा ये जैसे बना है, और एक आपका पुराना ओल्ड पेरेंटल वाला बनेगा। तो इसमें कैसे हुआ, किस तरह से बना ये बैंड? देखिए यहाँ पर पेरेंटल आपके जैसे हम अलग अलग सेपरेट होंगे दोनों बैंड, यहाँ पर भी आपके सेपरेट होते हैं स्ट्रैंड्स। उसके बाद एक आपका पेरेंटल होगा 15N, एक न्यूली सिंथेसाइज बनेगा 14N। तो ये हाइब्रिड वाला रीजन तो यहाँ पे बन रहा है 14N 15N, लेकिन 14N बाद में देखो ये न्यूली सिंथेसाइज पूरे दोनों 14N है। जब ये सेपरेट होने के बाद दोबारा रिप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 14N ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 14N मीडियम दिखाया गया है, तो यहाँ पर 14N 14N आएगा। तो दो तरह के बैंड हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं, 14N 15N 14N, ठीक है, हाइब्रिड और ओल्ड पेरेंटल वाले। तो इस तरह के ये जो इससे जो मैथ्यू मिशेलसन है और फ्रैंकलिन स्टॉल है, इसने इस प्रैक्टिकल को पूरी तरह से परफॉर्म किया और प्रूफ कर दिया कि जो DNA का रिप्लिकेशन होता है हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। इसके अलावा दो तरीके और रिप्लिकेशन मोड होते हैं, मैंने भी बताया था। पहला मोड कौन सा होगा? कंजर्वेटिव मोड भी होता है, लेकिन कंजर्वेटिव मोड में यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए दो तरह के स्टैंड है, तो एक आपका पूरा 15N होना चाहिए, एक आपका पूरा 15N और दूसरा आपका पूरा 14N होना चाहिए, वो कंजर्वेटिव जो अभी आपको देखने को नहीं मिलता। दूसरा होता है आपका डिस्पर्सिव मोड, इसके अंदर एक पूरे कंप्लीट तरह से यहाँ पर कहाँ दिखाई देगा, ओनली ये बीच वाली स्टेज है यहाँ पर आपको दिखाई देता है, यानी एक आपका ओल्ड पेरेंटल वाला होगा, एक न्यूली सिंथेसाइज, यानी बीच बीच में से आपका इस तरह के स्टैंड बनेंगे, लेकिन ओनली हम जीवन जो आपकी जनरेशन है वहां तक इसको देख पाते हैं डिस्पर्सिव मेथड को। जीवन जनरेशन तक आपका ये सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव दोनों तरीके से शो करेगा, लेकिन जीव टू की यदि हम जनरेशन की बात करेंगे तो वहां पर इस तरह का
जो रिप्लिकेशन है मेथड वो आपका शो नहीं हो पाता, वो डिस्करेज कर दिया जाता है, वो खारिज कर दिया जाता है। इसलिए मैथ्यू मैसलसन ने प्रूव किया कि हमेशा जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो ओनली सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, ना कि कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मोड।